नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HR फार्मिंग व्लॉग्स पे। तो किसान भाइयों, आज मुझे गोभी लगाए हुए 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं और 15 दिन के बाद गोभी में आप रिमोन, मोनो और सांप का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, कितनी मात्रा में करें और कैसे इस्तेमाल करें, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे किसान भाइयों को मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, मार्केट में कीड़े की लटकी, मोटे वाली लटकी और जो बारीक लट होती है उसकी दवाइयां तो बहुत सी उपलब्ध है किसान भाइयों, लेकिन जो मैं ये दवाई बता रहा हूँ रिमोन, इससे सब नीचे नीचे है। क्योंकि बहुत सी जो दवाइयां होती हैं वे क्या करती हैं कि पौधे पर डालने के बाद उसको पका देती है किसान भाइयों, लेकिन जो रिमोन दवाई होती है ये पौधे को ग्रोथ में सहायता करती है और पौधे में कचास लाती है जो उसकी पत्तियों को बढ़ाने का काम करती है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे किसान भाइयों, ये देखिए आप, ये जो पौधा है इसमें जो लट आई हुई थी, बारीक लट थी, ये देखिए नीचे, इसमें मैंने रिमोन दवाई डाली थी और ये ख़त्म हो चुका है। जो लट थी इसमें बारीक लट होती है, वे क्या करती है, सुराख कर देती है पत्तों में और पत्ते पर सुराख हो जाता है, गोभ पर सुराख हो जाएगा, ये देख सकते हैं किसान भाइयों। सुराख होने के बाद क्या होता है कि जो पौधा ग्रोथ रोक देता है और बढ़त कम लेता है, क्योंकि उसके पत्ते हैं वे खराब हो जाते हैं और सूखने लगते हैं। ये जो देख सकते हैं छेद होने के बाद पत्ते ऑटोमेटिक सूखने लगते हैं किसान भाइयों, तो आप देख सकते हैं। इसके लिए जो मार्केट में दवाई है वो रिमोन दवाई सबसे बेस्ट है, क्योंकि रिमोन दवाई जो है आप 5 ग्राम से 10 ग्राम टंकी की ले सकते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, जो ये रिमोन दवाई है ये पौधे के ग्रोथ में भी सहायता करती है, पत्तियों को चौड़ा करती है, इसके अलावा पौधे की कचास में भी ये सहायता करती है और लट को भी ख़त्म करती है। 3 से 4 काम है ये दवाई अकेले काम करती है मेरे किसान भाइयों। दूसरी दवाई है ये मोनो दवाई, मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मोनो दवाई है मेरे किसान भाइयों। देखिए जो मोनो दवाई है ये दवाई सूर्य के लिए सबसे बेस्ट दवाई है, इससे सभी दवाई नीचे है मेरे किसान भाइयों। गर्मियों के मौसम में सुर्रा बहुत अधिक आता है और सुर्रा होता है वो क्या करता है कि जो गोभ होती है किसान भाइयों, ये गोभ इसको खा जाता है, जिससे पेड़ है वे बांझड़ा हो जाता है किसान भाइयों, नई गोभ नहीं फूट पाती है सुर्रे के कारण। सुर्रे को ख़त्म करने के लिए मोनो दवाई आप 35 ग्राम से 40 ग्राम या 50 ग्राम अपने पौधे के हिसाब से डाल सकते हैं। जो इस दवाई का कार्य है लंबे समय तक रहता है, 8 से 10 दिन तक ये दवाई असर करती है गिरने के बाद। जो तीसरी दवाई है किसान भाइयों सांप, ये दवाई भी बहुत अच्छी और बहुत बेस्ट है। सांप का पाउडर आता है मेरे किसान भाइयों, उसका क्या कार्य है किसान भाइयों मैं बताता हूँ। ये देखिए एक पौधा है, आप ये पौधा ले लीजिए मेरे किसान भाइयों, ये पौधा पीला पड़ चुका आप देख सकते हैं गर्मी में। सांप क्या करेगा, इसको पीला होने से रोकेगा, जड़ों को और तने को मजबूत करेगा किसान भाइयों, तने को मजबूत करेगा, जड़ में फंगस आने से रोकेगा, और तीसरी बात है कि पीला होने से बचाएगा पौधे को, पौधे की ग्रोथ में सहायता करेगा। सांप जो है एक एकड़ में आप जो 6 से 7 टंकी लगती है तो पर टंकी का आप 1 गिलास गोल बना लीजिए और ये तीनों दवाई आप पहले रिमोन दवाई डालिए या मोनो दवाई डालिए, उसके बाद थोड़ा पानी डालिए, पानी डालने के बाद ये सांप डालिए, तीनों दवाइयों को एक साथ ना डालें किसान भाइयों, क्योंकि आप सब आपस में केमिकल, जो केमिकल होता है उसका रिएक्शन हो सकता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप जो है इन दवाइयों को अलग अलग पानी, बीच में पानी का गैप रखिए, अलग अलग रखिए किसान भाइयों। ये तीनों दवाइयाँ पर आप अपने पौध में डालेंगे 10 से 15 दिन की गोभी होने पर या कोई भी फसल होने पर, तो आपकी जो फसल का ग्रोथ है, पौधे का ग्रोथ है वो बहुत अधिक होगा और बहुत जल्दी आपकी पौध है वो पौधा है ग्रोथ करेगा मेरे किसान भाइयों। तो ये तीनों दवाई आप अपनी गोभी में या किसी भी फसल में डाल सकते हैं। इतना ही, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे किसान भाइयों को मिल सके। धन्यवाद किसान भाइयों।